इफ यू डोंट माइंड, मन में एक छोटा सा डाउट है। कोई भी लड़की किसी रेप्यूटेड फैमिली में शादी करना चाहेगी, तुमने उन सब से हटके गुमनाम अनाज से शादी क्यों की? मेरी एक बड़ी बहन भी थी अर्जुन, उनकी शादी बड़े खानदान में हुई, लेकिन वो पूरा परिवार उनके साथ एक बहू की तरह नहीं बल्कि नौकरानी जैसा बर्ताव करता। कुछ महीनों बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। मैंने और भैया ने तभी फैसला कर लिया था कि हम फैमिली को ना देखकर लड़के की अच्छाई को देखेंगे। पता है, अगर तुम अनाथ ना होते ना, तो तुमसे प्यार होते हुए भी मैं तुमसे शादी ना करती। फंस गया, कुछ दिनों तक अनाथ ही बने रहना होगा। तुम उदास मत हो, आज तुम्हारी दीदी बहुत खुश होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना? अर्जुन, अर्जुन, उठो अर्जुन। थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अभी अभी तुमने भाभी कहा। मैं ऐसा ही हूँ, अपने मन की इच्छाओं के सपने देखता हूँ। अगर मेरी एक बड़ी फैमिली होती तो रोज कहता, थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। आज नाश्ते में क्या है मॉम? डांटिए मत ना पापा। भैया गाड़ी की चाबी देना। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है, आंख खुलने के बाद मैं और मेरी तन्हाई अकेले रह जाते हैं। रूठ जाऊं तो मनाने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा मत कहो अर्जुन, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। आज ही हम किराए का घर लेंगे और दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे, क्या कहते हो? किराए पर क्यों लेंगे? तुम्हारे भैया का इतना बड़ा घर है। वो घर नहीं, गुंडों का अड्डा है, इसीलिए फर्स्ट नाइट के लिए भैया ने ये वाला होटल बुक किया था। अब उम्र भर तो यहाँ रह नहीं सकते, हम खुद का आशियाना बनाएंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे अर्जुन। और इसीलिए आज सुबह से इतने सारे न्यूज़पेपर्स में से मैंने कुछ एड्रेस सेलेक्ट किए हैं। बेटा अगर इस एरिया में रहा तो पहचाना जाएगा, इतना टाइम कहाँ है, दिन में ऑफिस जाना है रात को घर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तैयार होकर अपने ऑफिस जाओ, मैं तैयार होकर घर ढूंढती हूँ। ए, ठीक से करना। दोस्त की शादी कैसी रही? थका हुआ चेहरा, आंखें ऐसी लाल, दोस्त की शादी में ऐसा हाल, मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। अरे सुहागरात में बहुत काम होता है ना भैया। जी जी, इसके दोस्त की सुहागरात थी। अर्जुन तू अंदर जा। थैंक यू भाभी। ए तू अपना काम कर। सारा दिन मस्ती, चलो पढ़ाई करो, पढ़ो। पापा जी हाँ, इन्हें किराए के लिए घर देखना है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा जी, इन्हें ऊपर का माला दिखाऊं क्या? ऊपर जाने के लिए हॉल से ही जाना पड़ता है। अच्छा। पापा जी ने हर कमरा वास्तु के हिसाब से बनवाया है। ये दूसरा बेडरूम है। वाओ, बहुत खूबसूरत घर बनाया है अंकल। I just loved it. Thanks a lot. इन्होंने नहीं बनाया, बिल्डर ने बनाया। घर हमेशा बिल्डर ही बनाते हैं, मेरे जैसे वकील नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा रवि, मेरे अंडर असिस्टेंट लॉयर का काम करता है। ये मेरी बड़ी बहू हाउस वाइफ। मेरा एक और भी बेटा है, वो जरा अंदर है, उसके बारे में बात न की जाए तो वही अच्छा रहेगा। इडियट, नालायक, लोफर, गुंडा, ये सारी उपाधियाँ उसको सूट करती है। रेंट कितना है? 30,000। 20,000। इतना कम क्यों? अच्छा, बिल में एडजस्ट करेंगे। विद लाइट बिल, वाटर बिल, फर्नीचर, गैस बिल, विद ऑल फैसिलिटीज। ज्यादा लगे तो और भी कम कर दूंगा। सो नाइस। और किसी के लिए 10 रुपए कम नहीं किए, इसके लिए सीधे 10,000 कम कर दिए। बात ही है बेटा कि इसकी शक्ल तेरी माँ जैसी है।
सिर्फ शक्ल मिलने से 10,000 का डिस्काउंट। फॉरगेट इट, समझ ले तेरी माँ को 10,000 रुपए दे रहा हूँ। कितने महीनों का एडवांस दूँ? 3 months। 1 month। अच्छा ठीक है, 3 months एडवांस। थैंक यू। कल शुभ दिन है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू अंकल, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। इस उम्र में हिलाने से अकड़ जाती है गर्दन। हेलो अर्जुन, गुड न्यूज। कल रात सुहागरात हो गई और आज सुबह गुड न्यूज भी। अच्छा, वो गुड न्यूज नहीं, एक घर पसंद किया है। ओनली 20,000 रेंट विद ऑल फैसिलिटीज। तुम्हारी चॉइस मैं जानता हूँ, कोई अच्छा ही घर ढूंढा होगा। और पता है 3 महीने का एडवांस भी दे दिया। 3 महीने का एडवांस क्यों, पूरे साल का दे दो। ये क्या, दोनों जगह एक ही साथ भजन बज रहा है। मर गया। तुम्हारे फोन से भी बाबा का ही भजन सुनाई दे रहा है। वो मेरे ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है। क्या तुम शास्त्री नगर वाले एडवोकेट के घर गई हो? हाँ गई हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्लासिफाइड में ऐड पड़ा था। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो तुम? मुझसे शादी करने का अफसोस तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हो? आई रियली लव यू, आई एम वेरी हैप्पी। बस घर में गड़बड़ है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है। घर के लोग? मतलब घर की वास्तु में गड़बड़ है। किसने कहा तुमसे? हाँ, प्रॉपर वास्तु है, आलीशान साइज है, अच्छे लोग हैं, हम इसी घर में रहेंगे। अब तुमने फिक्स कर ही लिया है तो ठीक है। बाय। हे भगवान, अश्विन यहाँ होता तो कोई आइडिया जरूर देता। अबे अश्विन, कहाँ मर गया तू? सर टेररिस्ट है। शक्ल से टेररिस्ट लगता है क्या? अच्छा चोर है। चोर नहीं, एक नंबर का लोफर है, ये नालायक मेरा बेटा है। आपका पॉकेट छीन के भागा है? पॉकेट नहीं, मेरा सुख चैन। ये नालायक होमगार्ड के सिलेक्शन से भाग के आया है। कहाँ गया? ए लड़की सुनो, एक सिल्की हेयर वाले किसी लड़के को देखा, वो इसी तरफ भाग कर आया है। नहीं तो? ओ नहीं देखा। ओ फूल कुमारी, ये अपनी कमर के पीछे किसे छुपा रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। ओहो, वैसे भी उस लोफर की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। चलो फिर से चकमा दे गया। उतरी। इतनी खूबसूरत कमर का ब्यूटीफुल ओनर कौन है? ओए तू? हाँ मैं हूँ। उस दिन फ्रंट से देखा और आज बैक से, और तो और कमर भी पकड़ ली। अरे जानबूझकर थोड़ी पकड़ी, इमरजेंसी थी इसलिए पकड़ी। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है? पतली कमर के लिए कितना मेंटेन करना पड़ता है। सुबह सुबह योगा, इवनिंग में जॉगिंग, आइसक्रीम खा नहीं सकते, चॉकलेट छू नहीं सकते, जंक फूड तो जहर है। इतना मेंटेन करने के बाद ये कमरे से कमर बनी है और तुमने ऐसे ही छू लिया। हो गया कमर पुराण। अच्छा तो फ्लैट हुए या नहीं? मैं उस टाइप का नहीं हूँ। कौन से टाइप के हो? एकदम डिफरेंट। वो वाले टाइप के? चॉकलेट खाओगे? क्या बात है, कल की दोपहर में शादी और उसी की रात में सुहागरात और फिर भाड़े पे घर और आज गृह प्रवेश। मेरे भाई तू तो बुलेट से भी फास्ट जा रहा है। किसी अनाथ की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे क्या पता था एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। कुछ ऐसा कर कि पापा वो घर रेंट पर बिल्कुल ना दें। ए आइडिया, शूट इट। कह देंगे कि लड़की ISI की एजेंट है। अगर ऐसे पतला सा आइडिया की जरूरत होती तो तुझे बुलाता। पापा को पता चला तो केस करके मुझे जेल में डाल देंगे। एक और सॉलिड आइडिया, पापा के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि उसका कैरेक्टर ढीला है रे। जान से मार दूंगा, घटिया आइडिया देता है। ये वाला जरूर काम करेगा। फरमाइए। घर वाले नहीं जानते कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता है। अगर उसकी जगह हम लोग एक नकली पति भेज दें जो जाके तेरे पापा से लड़े, फिर उन्हें BP, शुगर, हार्ट अटैक ऐसी 10-12 बीमारियां हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये है ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया। बस अब नकली पति बनने के लिए बकरा किसको बनाए। ये कौन है बेटा? तुमसे ठीक उल्टा, एकदम मासूम दिखता है। ये मेरा दोस्त अश्विन है। आज से पहले तो इसे घर नहीं लाए। जो खुद अपने घर नहीं जाता वो हमारे घर क्या खा खाएगा, सही कहा ना?
तो आज लाने की क्या जरूरत थी? बोलना। सीधे मुद्दे पर आ जाओ। वो किसी को आपने कल घर भाड़े पे दिया था ना, ये उसका पति है। अरे बेटा, तेरी वाइफ तो एकदम मेरी वाइफ जैसी लगती है। अरे क्या वंगस कर रहे हो यार, कहा तुम्हारी वाइफ कहा मेरी वाइफ। अरे तेरी वाइफ यहाँ मेरी वाइफ वहाँ। वो तो गई पर तू कब जाता? ए, अपने दोस्त से कहो इज्जत से बात करे। इज्जत की भाषा तो अपने बाप ने भी नहीं बोली। ये हमारे पापा है, ढंग से बात कर। अगर इज्जत से बात नहीं कर सकता तो इस घर में रहने का तुझे कोई हक नहीं है भैया। सही है। एडवांस मुंह पे मारो और बाहर फेंको इसे। मैं बात करता हूँ, इसकी वाइफ का फेस तुम्हारी माँ से मिलता है, बहुत ही नेक लड़की है वो। क्या कहते हो बेटा? जैसा आप कहें। ये पुरानी हवेली ट्रेन के टॉयलेट से भी छोटा घर दे रहे हैं, 20,000 किस बात के? अरे फाइव स्टार होटल जितना आलीशान घर है और तुझे टॉयलेट लगता है, वो भी ट्रेन का। आओ कंट्रोल, पीछे जाओ। कंट्रोल, क्या बोला? तेरी वाइफ आई थी इसलिए घर में कमरा रेंट पे दिया। अगर तू आता टॉयलेट पेपर की जैसी शक्ल वाला तो पता है क्या करता? इस घर का बाथरूम तो क्या, इस घर का टॉयलेट तो क्या, इस घर के कमोड को भी किराए पर नहीं देता मैं। आप उनकी शक्ल टॉयलेट पेपर और नहीं तो क्या न्यूज़पेपर? एक फूक मारेगा तो सीधा रद्दी की दुकान पर जाएगा। चल भाग यहाँ से। अबे मुझे चूरन दे रहा है, दो कौड़ी का वकील है तू। क्यों? एडवांस लेके अग्रीमेंट बनाने के बाद घर रेंट पर नहीं देगा तो तेरे पे केस ठोक दूंगा। अब आया गधा पहाड़ के नीचे, वकील को वकालत सिखाने चला है। एग्रीमेंट पर लिखे रूल्स के हिसाब से तुम लोगों को कम से कम 3 महीने तक तो इस घर में रहना ही पड़ेगा। रहूंगा, चला रहूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि टॉर्चर किसको बोलते हैं। अबे टॉर्चर क्या कहते हैं, ये तो मैं तुझे सिखाऊंगा, देख लूंगा। चल बेटा। इन दोनों के चक्कर में मेरा टॉर्चर होगा। मेरे दोस्त, इस देश में आतंकवादी को भी सहूलत मिलती है पर मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अबे मैंने किया क्या है? अबे तुझे मैं वहाँ डील कैंसिल करने के लिए ले गया था, तूने तो 3 महीने का चैलेंज ले लिया। अगर गलती से भी पापा को पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और वहाँ नीलू का भाई वो तो मुझ पर अटैक कर देगा। अबे गलती तूने की, सजा मुझे क्यों दे रहा है? भेजे में ज्यादा खून घुस गया तो आइडिया नहीं निकलेंगे। अबे रुक, एक जबरदस्त आइडिया है, चल नीचे उतार मुझे। अब क्या आइडिया है? नीलू डार्लिंग, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड अश्विन। हाय। हम जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं ना, वो घर इसी का है। तुम एडवोकेट के छोटे बेटे हो ना? हाँ शायद वही। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? कॉमेडी। कॉमेडी, बहुत कॉमेडी शोज देखता है, कुछ ज्यादा ही फनी। अब कॉमेडी बस कर, सीरियस हो जा। सीरियस? ऐसी क्या बात है? पापा मेंटल है, भाई नशेड़ी है, भाभी का कैरेक्टर ढीला है। यूं समझ लो कि इस परिवार को साक्षात शैतान ने बनाया। भाई नाश्ते में दारू बिस्किट खाता है, रात के खाने में ड्रग्स चावल, फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करता है, किसी के कमरे में भी घुस जाता है। बाहर से हमारा घर देखता है ताजमहल, लेकिन अंदर से है और राजमहल। इतनी डेंजरस फैमिली है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। एक सेकेंड, यहाँ आओगे? आता हूँ। ग्रेट जॉब।